नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। कोविड की पहली और दूसरी लहर के प्रकोप की वजह से लंबे समय तक देश भर के स्कूल बंद रहे। अब कोविड की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है तो इन्हें दोबारा खोला जा रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन की दस्तक तथा कोरोना के बढ़ते मामलों के एक फर्जी एवं फेक आदेश के फेसबुक व व्हाट्सएप पर वायरल होने से सोमवार को सुबह सुबह ऐसी सनसनी फैल गई कि कई शैक्षणिक संस्थाओं व अभिभावकों के मन में एक असमंजस की स्थिति बन गई। सोशल मीडिया पर सोमवार एक फेक आदेश वायरल हुआ जिसमें सरकार के निर्देशानुसार राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखकर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान कोचिंगों को 6 दिसंबर 2021 से आगामी आदेशों तक बंद करने की बात कही गई थी। वहीं पावटा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुरलीधर यादव ने बताया कि अभी विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जैसे ही ऐसा कोई आदेश जारी होगा तो उसकी पालना की जाएगी। वहीं विभाग के नाम से जारी इस फेक आदेश में नीचे हस्ताक्षर NL मीणा के दर्शाए गए हैं, जबकि मीणा के स्थान पर वर्तमान में इस पद पर सुरेश गुप्ता हैं। ये आदेश पूरी तरह से फर्जी है। सर, आज फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हुआ कि 6 तारीख से और आगामी आदेश तक स्कूलों को बंद रखा जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है? अभी विभाग के द्वारा इस टाइप का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। जैसे ही विभाग के द्वारा हमारे को आदेश प्राप्त होंगे उसकी पालना निश्चित रूप से। अभी विद्यालय बंद करने संबंधी कोई आदेश विभाग के द्वारा जारी नहीं। तो ये जो आदेश जारी हुए फर्जी है? बिल्कुल फर्जी। सर, आज एक व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक आदेश वायरल हो रहा है कि 6 तारीख से आगामी आदेशों तक स्कूलों को बंद किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार द्वारा आदेश आते हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से CEO के माध्यम से आते हैं। इसके अलावा जो आदेश आते हैं वो स्कूलों अब निजी स्कूल उसको मान्य नहीं करते। हाँ, अगर सरकारी CBO के माध्यम से या DO के माध्यम से आते हैं तो वो ही आदेश मान्य होते हैं निजी स्कूलों में, बाकी उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं होती। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।